नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ वाउंड्स. फर्स्ट है कॉन्टूजन एंड ब्रूसेस. कॉन्टूजन एंड ब्रूसेस है उसे इनिशियली कोल्ड एंड एस्ट्रिंजेंट एप्लीकेशन से ट्रीट किया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रावेशंस है उसे हम मिनिमाइज कर सकें. फर्स्ट डे आइस पैक यूज़ करते हैं जिसको 15 मिनट तक अप्लाई कर सकते हैं एंड इंटरवल पे रिपीट किया जाता है. सेकेंड डे ऑनवर्ड है वार्म फोमेंटेशन एंड टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स कंटेनिंग इपेरिन आयोडेक्स एक्सेट्रा किया जाता है जो कि एक्स्ट्रावेशंस है उसके रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है हेमेटोमास है वो स्मॉल होते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. अदरवाइज दे मे हैव टू बी ओपनड एंड ट्रीटेड. नेक्स्ट है एसेप्टिक इंसाइज्ड वाउंड्स एंड फ्रेश एंड नॉन इन्फेक्टेड वाउंड्स हैं उन्हें प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो सूचर किया जाता है ताकि जो हीलिंग है उसे प्रमोट किया जा सके. एंड इसमें जो हीलिंग होती है वो मोस्टली फर्स्ट इंटेंशन से होती है. नेक्स्ट है कंटामिनेटेड एंड इन्फेक्टेड वाउंड्स हैं जो कि सेप्टिक वाउंड्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए जनरल प्रिंसिपल्स हैं. उसमें फर्स्ट है कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग. यदि ब्लीडिंग हो रही है तो उसे कंट्रोल करना चाहिए. यदि लार्ज वेसल्स हैं तो उसे लाइगेट करके ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है. सेकंड है क्लीनिंग ऑफ वुंड. वुंड के अराउंड जो हेयर हैं उन्हें क्लिप्ड किया जाता है एंड ये एंश्योर करना चाहिए कि जो कट पीस ऑफ हेयर है वो वुंड में एंटर ना करे. वुंड एंड जो सराउंडिंग एरिया है उसको माइल्ड नॉन इरिटेंट एंटीसेप्टिक लोशन है उससे इरिगेट करते हैं ताकि जो डर्ट एंड जो डेड टिश्यू है उसे रिमूव कर सके. जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो है परक्लोराइड ऑफ मर्करी लोशन, एक्रीफ्लेविन लोशन, यूसोल लोशन एक्सेट्रा. इसके अलावा इरिगेशन के लिए हाइपरटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन है उसे भी यूज कर सकते हैं. यदि वुंड फ्रेश है तो सूचरिंग की जा सकती है बट यदि इन्फेक्शन और फॉरेन बॉडीज प्रेजेंट है तो उसमें सूचरिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये डिस्चार्ज है उसे एक्यूमुलेट कर सकता है. नेक्स्ट है वुंड जिसको सूचर नहीं किया गया हो उसे डेली और अल्टरनेट डे पे इरिगेट करना चाहिए. एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल ब्लड सीरम टू द वुंड इज रिपोर्टेड टू हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द टिश्यू रेजिस्टेंस एंड फेगोसाइटोसिस. लैक्टोसीरम है उसे भी यूज कर सकते हैं. फिट के जो वुंड्स हैं उनको वार्म एंटीसेप्टिक फुटबॉल्स जैसे 10% फॉर्मलिन है उससे इरिगेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन. इरिगेशन के बाद जो वुंड है उसे मॉइस्ट एंटीसेप्टिक पैड और एंटीसेप्टिक पाउडर और ऑइंटमेंट है उससे कवर करना चाहिए ताकि फर्दर इन्फेक्शन है उसे प्रिवेंट किया जा सके. मॉइस्ट एंटीसेप्टिक पैड है उसके लिए मोस्टली जो कॉटन वॉल है उसे एंटीसेप्टिक लोशन में सोक करके प्रिपेयर किया जाता है. एंटीसेप्टिक पाउडर्स जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो है बोरिक एसिड, यूपेट, आयोडोफॉर्म एक्सेट्रा. ऑइंटमेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं बोरिक ऑइंटमेंट, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, एंटेरामाइसिन ऑइंटमेंट एक्सेट्रा यूज की जा सकती है. इन्फेक्शन के केसेस में ओरली और पेरेंटरली एंटीबायोटिक्स भी यूज की जा सकती हैं. हॉर्स है उसमें वुंड को ट्रीट करने से पहले एंटी टिटनस सीरम है वो एक प्रोफाइलेटिक डोज यूज़ की जाती है क्योंकि जो हॉर्स होते हैं वो टिटनस के लिए ससेप्टिबल होते हैं. वुंड है उसमें स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक एप्लीकेशन है उसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है
वो ग्रेनुलेशन टिश्यू है उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड हीलिंग है उसे डिले कर सकता है। इसलिए मोस्टली माइल्ड एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ड्रेनेज। यदि एग्जुडेशन एंड डिस्चार्ज है तो उसके लिए सुचर नहीं करना चाहिए वुंड को, और यदि डीप वुंड है तो उस केसेस में ड्रेनेज प्रोवाइड करवाने के लिए रबर ट्यूब है उसे यूज़ की जाती है। यदि एक्सटर्नल ओपनिंग है डीप वुंड की, वो नेरो है तो उसको एनलार्ज कर सकते हैं, या फिर काउंटर ओपनिंग है डिपेंडेंट पार्ट पे वो बना सकते हैं ताकि ड्रेनेज है उसे प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है इमोबिलाइजिंग ए वुंडेड एरिया। यदि प्रॉपर इमोबिलाइजेशन नहीं प्रोवाइड किया जाए तो जो हीलिंग होती है वो डिलेड हो जाती है, एंड वहाँ पर एक्सेसिव ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं, जिसे हम प्राउड फ्लेस भी बोलते हैं। मोस्टली जो एक्सेसिव ग्रेनुलेशन है वो बिलो द नी एंड हॉक वुंड्स हैं उनमें बनने के चांसेस रहते हैं। तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू है वो यदि वुंड में प्रेजेंट हो तो उसके लिए प्रॉपर हीलिंग के लिए जो एक्सेसिव ग्रोथ है उसको सप्रेस्ड करना चाहिए। इसके लिए कास्टिक्स है उसे यूज कर सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए कास्टिक्स को वुंड पे अप्लाई किया जाता है और फ्रेशर बैंडेज है वो अप्लाई की जाती है। जब 48 आवर्स के बाद में बैंडेज को चेंज किया जाता है तो उस दौरान कास्टिक से जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है उसकी जो सुपरफिशियल लेयर है वो डिस्ट्रॉय हुई है वो उस बैंडेज के साथ ही निकल जाती है। 2-3 दिन तक ये ट्रीटमेंट है उसे रिपीट करना चाहिए। उसमें जो एक्सेसिव ग्रेनुलेशन टिश्यू है वो रिमूव हो जाता है, और यदि जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है वो टू मच है एंड रिमूव या सप्रेस नहीं हो रहा है केमिकल से, तो उस केसेस में उसे सर्जिकली रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ पंक्चर्ड वुंड्स। पंक्चर्ड वुंड है उसे सूचर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके डीपर फॉरेन पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। नेरो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसे एनलार्ज किया जाता है ताकि ड्रेनेज है उसे प्रोवाइड किया जा सके, एंड एंटीबायोटिक्स है उसे यूज कर सकते हैं क्योंकि जो पंक्चर्ड वुंड है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं। फुट में जो पंक्चर्ड वुंड है उसकी एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग की जाती है, एंड जो हॉर्नी टिश्यू क्लोज टू वुंड है मे बी पार्ट ऑफ टू फैसिलिटेट ड्रेनेज। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एवल्जन ऑफ हूफ एंड हॉर्न। यदि सीवियर ब्लीडिंग हो तो उस केसेस में टॉर्निकेट अप्लाई किया जाता है। वुंड है उसे एंटीसेप्टिक लोशन है उससे क्लीन करना चाहिए, एंड उसके बाद जो एंटीसेप्टिक पेड सॉक्ड इन लोशन है उसे प्लेस्ड करते हैं एंड उससे बैंडेज अप्लाई किया जाता है। बैंडेज है उसको नेक्स्ट डे रिमूव की जाती है, एंड उसके बाद जो वुंड है उसकी ड्रेसिंग करते हैं, ऑयली ड्रेसिंग और ऑइंटमेंट जैसे सल्फानिलामाइड सार्क लीवर ऑयल है, बोरिक ऑइंटमेंट है, पेनिसिलिन ऑइंटमेंट है एक्सेट्रा। ड्रेसिंग है उसको अल्टरनेट डे पे रिपीट करनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद जो हॉर्नी टिश्यू है उसकी थिन लेयर है वो बन जाती है, और उस स्टेज पे जो वुंड है उसे स्मेयर करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ टार से। फ्यू मंथ्स के बाद हॉर्नी टिश्यू है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। एक टर्म आती है डिब्राइडमेंट या एक्सीजन ऑफ वुंड। इसमें क्या है,
जिस वुंड में लॉट ऑफ डैमेज टिश्यू डिब्रीज एंड फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट होता है तो उसके लिए जो साइड एंड डेप्थ ऑफ वुंड है उसको एक्साइज किया जाता है। इसमें जो सुपरफिशियल पोर्शन ऑफ वुंड कंटेनिंग कॉन्टूस्ड एंड डीविटलाइज्ड टिश्यू इज कम्प्लीटली कट एंड रिमूव्ड एंड इस मेथड को हम बोलते हैं डिब्राइडमेंट, जो कि हीलिंग है उसे प्रमोट करता है। थैंक यू।